अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नायला राजा। और कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन थोड़ा सा मेरा आज थोड़ा परेशानी वाला दिन है, क्योंकि मेरा ड्राइवर अवेलेबल नहीं है और मैंने इस्लामाबाद जाना है। ड्राइविंग तो मुझे खुद आती है, लेकिन मैं बैरियर से इस्लामाबाद बिल्कुल ड्राइव नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है और बहुत एक्टिक लगता है। और मैंने इतने काम करने होते हैं साथ साथ, और मैंने दोस्त के घर खाने पर जाना है और ड्राइवर नहीं है, तो अभी मेन ड्राइव पर सोच रही चली जाऊँ। लेकिन ड्राइव वगैरह पे मैंने अरसे से सफ़र नहीं किया, यूनिवर्सिटी टाइम्स में कभी कर लिया था, लेकिन मुझे बहुत डर सा लगता है जी, मतलब मेरा दिल परेशान रहता है। तो आज मैं इन ड्राइव पे जाऊंगी तो बताती हूँ कि कैसा रहता है मेरा इन ड्राइव का सफ़र। अच्छा, तो मैंने सोचा जाते जाते मैं आपको अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखा दूँ। मैंने ये ईलान का आउटफिट पहना हुआ है, उनकी अभी इस रिसेंट ये वाली जो इस साल की लॉन की कलेक्शन थी उसमें से ये ड्रेस है। ये मेरा बड़ा फेवरेट आउटफिट है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत अच्छी बनी है। मुझे शर्ट्स की लेंथ लंबी अच्छी लगती है, तो इसकी लेंथ अच्छी बनी है, वरना तो शर्ट्स की पता नहीं क्यों लेंथ छोटी बना देते हैं। और हमेशा एक ये टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आप टॉल लगें, तो अपनी शर्ट की लेंथ जो है वो लंबी बनाएं, शॉर्ट लेंथ ना बनाएं अपनी शर्ट की। तो ये मेरा आउटफिट है, ये मेरी स्लाइड्स हैं, और ये मेरा बैग है। बैग मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि चीज़ें चेंज करने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो पास से मेरा आउटफिट दिखा दो, नेक दिखा दो, नेक लाइन। हाँ, नेक लाइन देख लें। और ये स्लीव्स हैं इसके, एक से ये इसके स्लीव्स हैं, और ये इसका बॉर्डर है सारा। इसकी ये अच्छी बात है, एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस मैंने इसलिए ले लिया, वरना तो मुझे नहीं पसंद बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी। ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें इतने कलर्स नहीं है, एक ही कलर है डिसेंट सा और न्यूट्रल से कलर है। और बैग इसके बिल्कुल सिंपल है, और दुपट्टा इसका अच्छा है, ये वाला फैब्रिक भी दुपट्टे का अच्छा है कि दुपट्टा टिक जाता है। सिल्क और शिफॉन और वो साइड दुपट्टे हैं वो टिकते नहीं हैं, तो लॉन भी थोड़ा बहुत ही बेसिक सा हो जाता है। ये वाला फैब्रिक अच्छा है, आराम से टिक जाता है दुपट्टा। तो मैं निकल रही हूँ, इन ड्राइव कराने लगी हूँ। मेरे पास तो इन ड्राइव की ऐप भी नहीं है, अपनी भाभी से पूछूंगी, उसके पास है या भाई के पास, तो देखती हूँ कराती हूँ, फिर इन ड्राइव में चलती हूँ शाम बाद, और फिर नेक्स्ट आप लोगों को अपडेट करती हूँ। मेरी भाभी मेरे लिए इन ड्राइव मंगवा रही है बिजनेस क्लास। संडे वाले दिन कोई प्लान ना बनाया करो, संडे शुड बी फैमिली डे। आगे मुझे छुट्टियाँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊँगी। हाँ बस तुम कहती हो। बस ठीक है, तुम बताओ ट्रिप जो भी प्लान बनाओ, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। प्लान ये है कि घर इकट्ठे बैठ के बोर होना, इकट्ठे बैठ के बोर होना है प्लीज। मैंने आज घर में थी, ऑल्टर्स कौन सी करूँ? सुजुकी है, सुजुकी वैगनार। बिजनेस क्लास में वैगनार? हाँ, ये बिजनेस क्लास में वैगनार आ रही है, तो वैसे क्या रेडी होती है इकोनॉमी में? चूज बिजनेस क्लास। एसी मैंने वो पूरा चूज किया। हनी, यू चोज द रॉन्ग क्लास हनी। मुझे बिजनेस क्लास ला दो। कैंगन एल्सन। एल्सन? एल्सविन। एल्सविन। अर्शमा मुझे बाहर तक छोड़ने आई है, और मेरी ये इन ड्राइव आ चुकी है, अब मैं जाती हूँ। थैंक यू अर्शमा। ड्रेस पिक करना था गिफ्ट के तौर पे, तो मैं अपने फेवरेट रिमान स्टोर आई हूँ वो इस इन ड्राइव पर रुकवा के, जिस जो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा, वो आपको बाद में बताती हूँ कि क्या मसला है। अच्छा, तो इन्होंने डिफरेंट सूट निकाल के रखे हुए हैं जो मुझे उनके लिए, मैंने चिकन के सूट चाह रही थी कि लेके जाऊँ। वैसे मुझे ये और इन दोनों में मैं कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन जिनके लिए मैं गिफ्ट ले रही हूँ, मेरी क्यूट सी दादी माँ मेरी दोस्त की, वो ब्लैक ज़्यादा पहना होता है, तो मुझे लग रहा है ये ठीक है। तो ये है वो रिमान स्टोर जिसका मैं हर टाइम जिक्र करती रहती हूँ। इनके पास सब डिज़ाइनर लॉन जोड़े हैं, और इसके अलावा चिकन के भी सारी कलेक्शन है इनके पास F10 मार्केट में। अच्छा, फाइनली मैं इन ड्राइव पे पहुँच तो गई हूँ, और मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा जो इन ड्राइव वाला था, एक तो वो कॉन्टीन्यूसली फ़ोन पर लगा रहा है, मैसेजेस पता नहीं किसको कर रहा था, और फिर उसके बाद चलो मैसेजेस तो कर रहा है, उसके बाद वेप पीता रहा सारी देर। और मुझे लोग समझ नहीं आ रहे कि आज के लोग वेप को इतना कूल क्यों समझ रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि स्मोकिंग करना चलो गलत होगा, तो वेप करना तो कोई मसला नहीं है, ये तो एक कूल चीज़ है। और बाहर शायद ड्राइवर्स करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो डिसेंट ही नहीं लगता। और पाकिस्तान तो एक डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट किस्म के लोग हैं, आप कैसे वेप कर सकते हैं अपने साथ किसी को बिठा के? आपको पता है कि एक आपका क्लाइंट आप बैठा हुआ है फिलहाल, और आप उसमें वेप पी रहे हैं? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, और बिल्कुल भी नॉनसेंस हरकत लगी है, बिल्कुल ही कोई मतलब डिसेंट हरकत नहीं लगी। और मैंने पहले फ़ोन को तो कॉल आउट कर लिया, मैंने कहा कि आगे मैं लेट हो चुकी हूँ, आप ऐसे कंटिन्यूसली मैसेजेस पे देखते रहेंगे और ज़ीरो की स्पीड पे जाएंगे तो मैं कैसे पहुँचूँगी? तो बड़ी मुश्किल से उसे फ़ोन छोड़ा, लेकिन फिर मिनट बाद अपना फ़ोन यूज़ करा था, लेकिन वेब पे भी मैं बोल नहीं सकी। मैंने कहा कि फिर मुझे लगता है मुझे उतरना ही पड़ेगा, मेरा कोई पंगा ना हो जाए। इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं लड़का होती, लेकिन मैं लड़का होती तो मैं बहुत ही फड्डे करती रहती,
लड़कियों ना ठीक है क्योंकि आप बात तो कर सकते हैं, लेकिन बस मैं सोचती हूँ पाकिस्तान में इंसान अगर हो तो अल्लाह ताला हर किसी को हिम्मत वाला बनाए कि आप बोल सको, क्योंकि लोगों को इधर बोलना पड़ता है, लोगों को तो वाला सेंस ही नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि कैसी लड़कियाँ इन ड्राइव पर जाती होंगी, अगर इधर मेरा ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि वो वेप पी जा रहा है, फ़ोन पर लगा हुआ है उसको, चलें जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मैं करूँगी कि उसमें रिव्यू में ये चीज़ें लिखूँ, लेकिन वैसे भी इस चीज़ पे मुझे बात भी करनी थी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अजीब। अच्छा तो आज मैंने तविंदा से कहा था कि जो तविंदा की बहन इकरा वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत ही काबिल न्यूट्रिशनिस्ट है, और इन लोगों ने मेरा खाना करना था, तो मैंने कहा मैंने घर में खाना खाना है क्योंकि मैंने इकरा के हाथ के बने हुए खाने खाने, क्योंकि इकरा को बहुत पता है कि किस चीज़ की मतलब सही डाइट प्लान करके वो फूड बनाती है, और हर चीज़ को देख के कि किस फूड की और क्या न्यूट्रंस चाहिए और क्या क्या ठीक है सेहत के लिए और स्किन के लिए, बालों के लिए और आपके हार्मोन्स के लिए। तो मैंने इसलिए सोचा हुआ था कि मैं उसके हाथ का खाना खाऊंगी ताकि मुझे सही डाइट पता चले कि क्या क्या खानी चाहिए और इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी और वो आप लोगों को भी एक्सप्लेन करेगी कि, और आप इसका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, आप लोगों को अगर अपना डाइट प्लान बनवाना है अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तो आप इसको मैसेज करें और इनसे बनवाएं। और बाकी मैं अभी खाना लग रहा है और उसके साथ साथ खाती हूँ, और वैसे भी आज हादिया ने मैं कहा है जो तविंदा की एक और बहन है कि हमने कचहरी से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, तो आज बस फैशन और खाने से रिलेटेड बात होगी और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ये खाने हैं और खाना ठंडा हो रहा है और फिलहाल हम बातें नहीं कर सकते, तो खाना खाने के बाद हमें ये डॉक्टर इकरा कलवार बताएंगी कि क्या क्या फ़ायदे हैं। और की बेस्टी मेरी बेस्ट फ्रेंड तविंदा की दादी माँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड, और आज मैं इनसे मिलने आई हूँ और ये कह रही मैंने इनको बहुत इंतज़ार कराया है, हालांकि सबको पता है कि मेरा इंतज़ार किस वजह से हुआ है, तो बताएं अब क्या सूरत हाल है, कैसी है? मैं क्या बताऊं? आपने हमें मार के रख दिया है। अल्लाह क्यों आप क्यों इंतजार आप इतना वेट करवाए यार, ऐसा तो कोई दूल्हा दुल्हन को नहीं करवाता यार, जैसे आपने हमारे साथ आज किया। बस अब जमाना बदल गया ना, दूल्हा दुल्हन वाले जमाने खत्म हो गए। बहुत जालिम लोग हैं यार आप तो। अब तो दोस्तों को भी वेट कराना पड़ता है ना। मैं दादो में 10 बजे आ जाऊंगी। 10 बजे रात के 10 बजे आना, मुझे क्या पता था, ऐसे मेरी भूख ही मार गई कसम से, मैंने खाना भी नहीं खाया। आपने वाकई क्यों नहीं खाया खाना? नहीं खाया ना। चले आए भी खाना खाया। टाइमिंग तो खत्म हो गई थी खाने। टाइमिंग्स कौन सी खत्म हो गई है? 12 बजे हम खाना खा लेते हैं। नहीं मुझे माफ कर दें, मेरी बड़ी गलती हो गई है, तो हता हो गया मेरे से। नहीं आप गलतियाँ किए जाओ, हम माफ करते हैं। नहीं नहीं बताएं इस गलती का हर जाना बताएं ना। नहीं नहीं कोई नहीं, आप आ जाइए। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा जोड़ा पहना है आपने माशाल्लाह से। लेकिन वो आपको पसंद आया ना कलर के? नहीं बहुत पसंद, पक्की बात है, सच्ची बात। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। प्लीज आप हमसे ज्यादा जवान है। नहीं माशाल्लाह आपको जवान, इनसे मिलके मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। हाँ जी आपके अंदर एक एनर्जी है माशाल्लाह, वो बड़े जरूरी है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो पंपकिन सीड्स है, सेसमे सीड है, सनफ्लावर सीड है, आप इसका पाउडर बनाएं। ठीक है, उस पाउडर को आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपने खाना जो सुबह आपने रोटी ली है, ठीक है,
8 इंचेस की जो है वो स्टैंडर्ड साइज होता है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आप उस पाउडर को ऐड करके उसको बना लें, ठीक है, और उसकी कंजप्शन कर लें। अदर देन दैट आप उसको वैसे भी अपने योगर्ट के साथ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद है। अच्छा फिर हम जंगल्स फोर्ड नहीं गए क्योंकि उधर बहुत ही अजीब माहौल था और फरजीन ने कहा इधर नहीं बैठ सकते तुम लोग लड़कियाँ, तो हम लोग आ गए फिर आकापोशी। इधर ये बड़ी पीसफुल सी प्लेस है। हाँ। और नायला की फेवरेट है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है इधर, इनका पिज्जा भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम बहुत फुल है वरना तुम लोग को पिज्जा ट्राई कराते हैं। बहुत हैवी खाना खाया है। मेरी ये फेवरेट जगह आप लोगों को दिखाऊं, इस जगह की सबसे अच्छी बात है कि इधर भी आप लोग बारिश को बड़ा अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। इनका इनडोर भी है, आउटडोर भी है, आउटडोर बहुत अच्छा लॉन है और व्यू बहुत अच्छा है सारा, और बड़ी पीसफुल सी जगह है, इसलिए ये मेरी फेवरेट जगह है पूरे इस्लामाबाद में, मुझे इधर बैठना पसंद है। और ये मेरे जो फेवरेट प्लेस है उसका अंदर का व्यू है, आप लोगों को भी दिखा दूँ, आप लोग भी साथ साथ हैं आकर का। ये मेरी दाबिंदा कर दूँगी, हम अपने टचअप्स के लिए आए कि हमारी हालतें अभी तक क्या हो चुकी हैं। अभी हम माँ की लॉबी में बैठ के हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, तब पर हमने सोचा मिकरा का गाना सुनेंगे। इकरा की आवाज़ बड़ी प्यारी है, इकरा सुना लो ये हमें गाना, सुनाओ। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप, कोई भी अच्छा सा गाना सुनाएं। अच्छा तो हमने नायला के लिए गाना सुना। हाँ, मुझे डेडिकेट कर रही हैं गाना। yes. जी आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा ऊंचा गाए हैं आप थोड़ा सा, बोल सकते तुम भी ऊंचा है कि तुम लोग ऐसे शर्मा रहे हो जैसे पता नहीं इधर टीवी पे आ रहे हो। मैं ये सोच रही हूँ कि ये ना हो कि ये सारे लोग इकट्ठे हो जाए के हमें गाना सुनाओ, फिर मैं प्रोफेशनल नहीं तो इसमें कौन सा आपका तबिंदा क्या कर रही हैं आप, मैं आप सब लोगों को देख लूं आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बोंगिया मारे अच्छा तो मैं सारे गाने आते, मैं कुछ भी बता दूं तुम्हें। अच्छा वो गाओ जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, लो नहीं नहीं यही वाली लाइन गाओ जो थी उसकी दूसरी लाइन है। सो अब हम अपनी नायला को देंगे फ्लावर, सही है नायला तुम्हारे लिए एक लाइन है ना मिला कर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं नियत शौक हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं नियत शौक भर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर ना जाए। जो मुझे इकरा ने फ्रॉड दिया वो मैंने इधर पहन लिया। लव यू, थैंक यू, लव यू टू। ये देखो लाइट आई है फाइनली, वरना तो हम ऐसे काले स्याह लग रहे थे, तभी लग रही ब्लैक लग रहे हम ब्लैक जी। अब मैं फ्री हो गई थी और मैंने सोचा कि अब वापसी में तो मैं इतनी रात को तो इन ड्राइव पे बिल्कुल वापस बैरिया नहीं जा रही, तो मैंने इन लोगों को कहा कि मुझे पिक कर लें, क्योंकि ये जो कपल था ये मुनाल फिर रहा था और ये पीछे बैठे हुए माँ बेटा पर्दा फरमा रहे हैं, और ये अच्छा ऐसा ने आशा को गजरा लेके दिया है। ठीक है ठीक है, गजरा भी है, मतलब खीर भी पड़ी हुई है, ये तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, मैं आप लोगों को खीर भी दिखाती हूँ, गजरा भी है खीर भी है, ये इधर क्या चल रहा था, और ये वेफर बिस्किट भी पड़ा हुआ है, कौन सा वाला है ये वेफर्स, ऑरेंज वेफर्स, ये क्या चल रहा था बताएं, ये खीर क्यों है और ये गजरा क्यों है, आप लोगों का इधर क्या मुंह दिखाई चल रही थी या दुआए हैर चल रही थी जी। पिकनिक पे आए थे हम लोग, ये बात मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे ना आप कोई तारीफ नहीं बताई है कभी, क्या हुआ तारीफ की किसी ने आपकी, ऐसे की मैं बताऊंगी लेकिन मैं इन्हीं को लाई। क्या हुआ फिर, हम वहाँ पे दोनों खड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, तो अचानक से एक बंदा आया, उधर का कोई ऑपरेशन हेड था वहाँ का, तो आके कहते हैं एक्सक्यूज मी मैंने आप दोनों अंकल थे, मैंने आप लोगों के बारे में कहना था कि आप दोनों माशाल्लाह एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह मैं ये स्टोरी सुन रही हूँ तो व्लॉग के लिए बना रही हूँ भाई, तुम लोगों को एक तो इनके इतनी चीजें अलाउ नहीं है जितनी चीजें नहीं अलाउ है, ये बड़ा मसला है, ये
के साथ ही बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। और ये गाड़ी की दाएं के इंस्ट्रक्शंस बहुत हैं, सीट बेल्ट पहननी है इसलिए बज रहा है। चलें अब इनके साथ मैं घर जा रही हूँ। और आशा को बहुत दूर लगता है बैरिया। आशा ये कहती है, आशा ने पहले मीठा खाना था लेकिन अब आशा कहती है मैं मीठा नहीं खा रही क्योंकि इतनी दूर बैरिया जाना है छोड़ने नाइला को। और ऐसे देखें ऐसन को, ऐसन कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ आपको लाहौर भी छोड़ने जाना हो तो मैं चला जाऊँ। उसका एनर्जी लेवल ठीक है, आशा के एनर्जी लेवल ऑल टाइम जीरो। जी तो हैरो हैरो हैरियत तो हैर हैरियत से मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और बस अभी मैं सोच रही थी कि मुझे छुट्टियाँ तो मैं थोड़े बालों को ऑयलिंग कर लूँ क्योंकि मेरा सबसे अच्छा एसेट जो मेरे लिए था कीमती एसेट वो मेरे बाल हैं हमेशा से। लेकिन अब ऐसा है कि मैं अपने बालों का ख्याल ही नहीं रख पाती हूँ। तो अब यह है कि मैंने अपने बालों का ख्याल रखना है इन छुट्टियों में। तो ऑयलिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। अभी एक ऑयल था, बताया था इंस्टाग्राम पे, कंपनी थी वेरी नेचुरल, उन्होंने आशा को ऑयल भेजा था। तो उस ऑयल में ऐसा था कि उससे पहले ना ये हिबिस्कस वाटर है जो अपने बालों में आपने अप्लाई करना होता है 40 मिनट्स के लिए, या फिर आप पूरी रात भी कर सकते हैं उसके बाद आप ऑयल लगाते हैं। तो ये पहले लेकिन ये वाटर अप्लाई करना है और उसके बाद ऑयल अप्लाई करना है। और ऑयल पे देख लें जितनी देर के लिए इंसान ने लगाना हो। अच्छा एक बात मैंने देखी कि आप लोग जो है वो आप लोगों को कोर्स वाला ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता, ये क्या बात है? आप लोग क्यों नहीं ये चीज़ें देखना चाहते? आप लोग ऐसी चीज़ जो आप लोगों के लिए लर्निंग हो उसको क्यों नहीं पसंद करते? कोर्स अब एक लर्निंग है, आप देख सकते हैं कि अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो आपने कोर्स जाना है और वो कोर्स कैसी हैं आपको पता होना चाहिए कि आपने किससे जाके मिलना है, कौन से ऑफिस जाना है, ऐसा की चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को। और इसलिए मैं कोर्स को लगाती हूँ ताकि लोगों को पता हो कि कोर्स में जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और कोर्स में जाना कोई गलत बात नहीं है। कोर्स एक रिस्पेक्टेबल जगह है और एक रिलायबल जगह है। अब मैं भी जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या करती है, मैं कहती हूँ वकील हूँ, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इमरान खान का क्या बनेगा, वो कब तक बाहर आएगा। मतलब आप लोग कुछ और क्यों नहीं पूछते कि हमारे बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं तो इसके खिलाफ हम क्या कार्रवाई करें, जो गलत बिल हैं जो नाजायज़ बिल हैं उसमें हम क्या करें, या हम अपने आप को लीगली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस मसले में, या अपने राइट्स के लिए कोई बात या कुछ तो पूछें। अपने राइट्स का आप लोग पूछते ही नहीं है। आप लोग कोई तो बात करें कि मतलब इस तरह के सवाल पूछें वकीलों से। इमरान खान और उन सब का तो ये तो एक सियासी मसला है, वो सियासी मसले चलते रहेंगे जब तक सियासत है और उनकी सियासत की एग्जिस्टेंस ही तभी होगी जब उनके सियासी मसले होंगे। आप लोग अपने मसलों पे फोकस करें, अपने मसलों के लिए घरों से निकलें। अभी आजकल तो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं वही नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, तो वो हमें पता होने चाहिए। सियासी मसले तो बहुत दूर की बात है, हमें अपने बेसिक राइट्स जिसके लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं हमें वही कुछ नहीं मिल रहा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम सियासी मसलों में हम क्यों घुस रहे हैं। वो हमारा मसला नहीं है, वो जिन्होंने सियासत करनी है उनका मसला है और उनके आने या जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे तो नहीं नज़र आया फ़र्क इतने अरसे में अपने 30 सालों में कि जो भी आया और मुझे कोई फ़र्क पड़ा हो। मैं जिन चीज़ों के लिए भी टैक्स पे कर रही हूँ अभी तक मुझे कोई फ़ायदे नहीं मिले। मुझे अपना आईडी कार्ड के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं, अपने लाइसेंस के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं, अपना हेल्थ के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी। मुझे समझ नहीं आई ऐसी कौन सी चीज़ है, बस रोड्स हैं जो मुझे मिल रही हैं इस मुल्क की वजह से, वो भी रोड्स में हम ट्रैफिक में साई साई देर खवार होते हैं। कोई ऐसी नहीं है कि हाईवे फास्ट लेन बन गई हो, उधर अभी भी कोई सिस्टम नहीं है। बाइक्स चल रही हैं फास्ट लेन में और ट्रक्स चल रहे हैं फास्ट लेन में, मतलब कुछ अभी भी उधर भी कोई सिस्टम नहीं है, रोड भी बना दें तो। इसलिए सिस्टम होना और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टम और डिसिप्लिन इनके अपनी बिल्डिंग्स में नहीं है, अपने ऑफिसेज में नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़े और इनके पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो हम लोगों को इसलिए खुद अपने आप को देखना है, अपना सोचना है पहले, और इन लोगों ने मुल्क का जिन्होंने सोचना है उनका हम लोग कैसे सोचें, मुझे नहीं समझ आई। उनका अगर हम सोच रहे हैं तो वो मुल्क का कैसे सोचेंगे। तो इसलिए ये सोचें कि हमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है और अपने इर्द गिर्द लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ सियासत का ना सोचें प्लीज़। अच्छा मैंने सारा वाटर अप्लाई कर लिया अपने बालों में, अब सुबह उठ के मैं ऑयल लगाऊंगी क्योंकि ऑयल लगा के सो नहीं सकती मैं। अच्छा अभी आजकल मैंने एक नाइट क्रीम स्टार्ट की हुई है क्योंकि बस मेरा एक स्किन इशू है कि मेरी स्किन बहुत रेड हो जाती है, वो सन एक्सपोजर की वजह से है या किस वजह से है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक तो मुझे डॉक्टर कह रही थी कि एक तो मेरे बालों का कलर जो है वो बड़ा डार्क है, रेड कलर का मैंने एक तो डाई कराया हुआ और कॉपर कलर का। तो जब मैं बाल आगे करके डाई करती हूँ, जब मैं बाल आगे करके वॉश करती हूँ, मतलब मैं शॉवर ऐसे लेती हूँ कि बाल आगे डालती हूँ, तो कह रही कि बैकवर्ड आप शॉवर लिया करो
वरना उससे भी जो डाई है वो भी आपके चेहरे को इफेक्ट करता है टाइम के साथ साथ. तो मैं उस तरह से शॉवर नहीं ले पाती हूँ. लेकिन यह कि मैंने ये नोटिस किया कि मेरा फेस काफ़ी टाइम से ना रेड रेड है, तो उस रेडनेस को मैंने ख़त्म करना है. और इसका नाम बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोल रही, ये खुद देख रहे हैं. और ये इसीलिए ये रिपेयर करता है स्किन को. तो इसको लगा के मैं आजकल देख रही हूँ कि मेरी स्किन में क्या चेंजेस आते हैं. तो वैसे तो स्किन केयर में तब तक रिकमेंड नहीं करती जब तक तो मुझे खुद कोई रिजल्ट ना फील हो जाए. लेकिन अब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो आप लोग कहेंगे मैं बता क्यों नहीं रही हूँ. इसलिए मैं, क्योंकि मैंने अभी एक दो दिन हुआ है इसको लगाते हुए, तो मैं चाह रही हूँ मेरे एक दफ़ा सी से रिज़ल्ट फील हो जाए मेरे, और मैं आप लोगों को बताऊँ. लेकिन ये मैंने देखा इसलिए ऐसी इस क्रीम अच्छी थी कि मुझे एक्नी जो अभी दोबारा से हुई थी वो फ़ौरन अगले दिन ख़त्म हो गई थी. अब पता नहीं वो वैसे ख़त्म हुई है या इस क्रीम की वजह से हुई है, मैं कुछ नहीं कह सकती. अच्छा जी, आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट व्लॉग में सोचे मैं ये बनाऊँ कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके वार्डरोब में बेसिक कपड़ों में क्या होना चाहिए जो आप डिफरेंट जगह कपड़ों के साथ कैरी कर सकें, और वो बेसिक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए. मतलब वो चार पांच चीज़ें हैं वो जो हर किसी के वार्डरोब में मुझे लगता है होनी चाहिए. तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो बताऊँगी. और अभी मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ किसी शेयर पर. शेयर नहीं बल्कि मैंने एक वो पता नहीं शेयर है ये क्या है जो मुझे अच्छा लगा था लास्ट, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपने प्यारे फॉलोअर्स के साथ वो शेयर करूँगी. वो ये था कि अपना इंतहाब गलत निकल आए तो, अपना इंतहाब गलत निकल आए तो इल्ज़ाम मोहब्बत को नहीं देते. तो पता नहीं ये शेर है ये क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, मैं सोने लगी हूँ. गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़.